14 जून 2020, ये वही मनहूस तारीख है जिस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिस पे यकीन करना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल था, या फिर ये भी कह लीजिए कि कोई उस बात पे यकीन नहीं करना चाहता था। इस दिन एक हंसता मुस्कुराता सितारा दुनिया से रुखसत हो गया था। वो सितारा जिसे बहुत ही प्यार करते थे सब लोग, बॉलीवुड का सुशांत सिंह राजपूत। आज ही के दिन सुशांत राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आज ही के दिन उनके तमाम चाहने वाले उनको बस जाते हुए देखते रह गए। ऐसा सदमा था जिससे लोग आज तक उभर नहीं पाए हैं। साल चले गए, कैलेंडर भी बदल गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा दर्द छोड़ गए हैं जो शायद ही कभी कम हो। सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से अलविदा कहे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी फैंस की यादों में वो आज भी उसी तरीके से बसते हैं जैसे उस समय बसते थे। लेकिन उनके फैंस को शायद ये नहीं पता कि उन्होंने उस समय कौन सी सर्च की थी गूगल पे, उन्होंने उस समय क्या सर्च किया था अपने जाने से पहले। अपने जाने से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें सर्च की थी जो आज भी विषय हैं, बहुत जांच का विषय है, जिस पे लगातार जांच हो रही है, क्योंकि उनकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझी नहीं है। उनके मुंबई स्थित घर से उनकी डेड बॉडी मिली थी। सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पे लगे हाथों कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट पे भी हम नज़र डालते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कौन खास था उनके लिए और कौन उनके बहुत करीबी थे। सुशांत सिंह, जितना मैंने उनको जाना पढ़ा, वो अपनी माँ के बहुत करीब थे। माँ से बेइंतहा प्यार करते थे, बेहद चाहते थे उनको, बेहद प्यार करते थे अपनी माँ को, और अक्सर वो अपनी माँ के साथ फोटो शेयर करते थे सोशल मीडिया पे। लेकिन जब वो 16 साल के थे तभी उनकी माँ ने इस दुनिया को रुखसत कर दिया था, जिसके बाद पूरा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। यहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, IIMT की तैयारी भी की। IIMT JEE में सुशांत ने पूरे देश में 7वां स्थान हासिल कर लिया था और दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया था। लेकिन उनको एक्टिंग का बहुत शौक था। कहते हैं ना कि कोई शौक होता है तो वो इंसान को जहाँ भी वो आगे बढ़ना चाहता है वो उसके आगे खड़ा हो जाता है। तो सुशांत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़ के मुंबई चले जाते हैं। मुंबई पहुंच करके उन्होंने श्यामक डावर डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ये बहुत फेमस ग्रुप है जहाँ पे उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की, और बहुत बेहतरीन डांसर थे सुशांत। ऑस्ट्रेलिया में एक कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशांत ने ऐश्वर्या राय के साथ बतौर जूनियर डांस किया था। इस चीज़ से वो बहुत खुश थे कि उन्होंने इतनी बड़ी एक्टर के साथ जूनियर डांसर का जो है उन्हें मौका मिला। उन्होंने टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल से डेब्यू किया था। इस सीरियल में सुशांत का रोल देख करके एकता कपूर काफ़ी प्रभावित हुई थी और उन्होंने उसे पवित्र रिश्ता के लिए साइन किया। और इसके बाद सुशांत ने फिल्म काय पो छे, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी ये, उसमें उन्होंने डेब्यू किया। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे में एक दमदार भूमिका उन्होंने निभाई। और सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी और जो उनके जाने के बाद रिलीज हुई थी। अच्छा, अब मैं आती हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस दुनिया से जाने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने गूगल पे बहुत कुछ सर्च किया था। आप जानना चाह रहे होंगे कि वो कौन से नाम थे जिन्हें सुशांत सिंह ने सर्च किया था। असल में सुशांत सिंह राजपूत का नाम उस समय सुर्खियों में आ रहा था। इसके पीछे एक वजह थी उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि वो जानना चाहते थे कि उनका अपना नाम न्यूज़ में क्यों है, मीडिया में उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। पर क्या सिर्फ दिशा सालियान की वजह से
वो अपना नाम सर्च कर रहे थे या फिर कुछ और भी था, ये आज तक इसकी गुत्थी जो है सुलझ नहीं पाई। आप जानते ही हैं कि उनकी काफ़ी रहस्यमय हालातों में मौत हुई थी। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। शुरुआत में एक डॉक्टर ने सुशांत के वकील और परिवार को ये कहा था कि उनकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है, लेकिन बाद में जो ऑफिशियल पोस्टमार्टम और एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टरों की रिपोर्ट आई, उसमें ये दावा किया गया कि सुशांत ने आत्महत्या की है। ये अपने आप में बहुत उलझा हुआ सा केस है और आज तक वैसा का वैसे ही उलझा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत ने गूगल पे अपने नाम के अलावा दूसरा सबसे ज़्यादा जो नाम सर्च किया था वो दिशा सालियान का नाम था। ये दिशा सालियान उनकी पूर्व मैनेजर थी और सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले ही दिशा सालियान की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी। इस मौत को भी सुसाइड बताया गया था। लेकिन बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। महाराष्ट्र के कई पूर्व नेता ये दावा करते हैं कि सुसाइड नहीं है, ये सुशांत का जो इस दुनिया से जाना सुसाइड नहीं है बल्कि कुछ और है। इसे लेकर के कई बार मीडिया में बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज तक उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा है। अब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये कहा जाता है कि वो दिशा सालियान से जुड़ी वो हर खबर के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गूगल पे इसे लगातार सर्च किया। अच्छा, एक और बात है उनसे बड़ी प्यारी सी बात है जो उनके साथ जुड़ी हुई है। सुशांत सिंह अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। उनकी बहुत इज्जत करते थे। हर बेटा इज्जत करता है वैसे तो, लेकिन वो अक्सर अपनी माँ को लेकर के पोस्ट किया करते थे उनकी फ़ोटो अपने साथ। और उनका ननिहाल जो है बिहार में है, बिहार के खगड़िया ज़िले में है, बागमती नदी के किनारे स्थित बोरेने गांव में उनका एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। जब एक्टर मुंडन करवाने के लिए अपने ननिहाल पहुंचे थे, तेगाशी घाट से नाव पकड़ने के बाद वे बोरेने घाट पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है। आज भी वहाँ नाव के जरिए ही उस जगह पे पहुँचा जाता है, बोरेने घाट में। उनकी माँ उषा देवी ने यहाँ पर भगवती स्थान में मन्नत मांगी थी, जिसे पूरा करने के लिए सुशांत यहाँ आए थे। एक्टर के साथ उनके उस समय पिता भी गए थे और उनके बहुत सारे रिलेटिव भी गए थे। सुशांत सिंह बहुत ही प्यारे एक्टर थे, बहुत ही कहना चाहिए कि देर तक याद आने वाला एक कलाकार हैं वो। लेकिन अफसोस ये है कि आज तक उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कंटेंट? फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी मैं किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you.